नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। यार आज की इस वीडियो में हमारे पास है 3 बल्ब और साथ में रखे हुए हैं ये कुछ 2-वे स्विच, और इन सभी की सहायता से हम आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे आप कर सकते हैं स्टेयर केस की वायरिंग को प्रॉपर तरीके से। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वायरिंग करना। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम अपने स्विचेस को, और सभी स्विचेस के ऊपर वाले टर्मिनल से हमें एक वायर सभी में कॉमन ले जानी है। आपस में सबको लूप करते हुए ले जाना है ताकि हमारे सभी स्विचेस आपस में कनेक्ट हो जाएं। दोस्तों ध्यान रहे, ऊपर वाले टर्मिनल से ही हमें सभी स्विचेस में जोड़नी है, और स्विचेस के टर्मिनल को कसते वक्त यार दोस्तों ध्यान रहे प्रॉपर तरीके से हमारे सभी टर्मिनल कसे हुए होने चाहिए। अगर ये ढीले रह जाते हैं तो यार दोस्तों इससे क्या होता है कि यार शॉर्ट सर्किट होने का या स्पार्क होने का खतरा बना रहता है। दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमने सभी स्विचेस के ऊपर वाले टर्मिनल को आपस में ऐसे लूप करना है। उसी प्रकार से दोस्तों हमने बीच वाले टर्मिनल को अभी बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, और नीचे वाले टर्मिनल पे आ जाते हैं। नीचे वाले टर्मिनल पे भी सेम ऊपर वाले टर्मिनल्स की तरह एक वायर हम इसमें लगाते हैं। यहाँ पर मैं नीचे वाले टर्मिनल्स में लगाने के लिए यूज कर रहा हूँ ब्लैक वायर। आप भी कुछ इस प्रकार से आपस में सभी स्विचेस को लूप कर सकते हैं। दोस्तों स्विचेस का जो टर्मिनल है वो लूज़ नहीं होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ इसी वीडियो में पहले भी कि अगर हम ऐसा करते हैं तो उससे क्या होता है कि यार स्पार्क होने का खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से प्रॉपर हमने दोनों फेज और न्यूट्रल आपस में इसमें सभी स्विचेस में लूप कर दिए हैं ताकि हमारा फेज सभी स्विचेस में प्रॉपर तरीके से फेज न्यूट्रल चले जाए। दोस्तों अब लेते हैं हम अपने सभी बल्ब होल्डर को। बल्ब होल्डर में आप देख सकते हैं मैंने 2 वायरें पहले से जोड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारा पहला वाला बल्ब है, पहले वाले बल्ब की एक वायर को हम जोड़ते हैं स्विच के सेंटर वाले टर्मिनल से, जो हमारा पहला वाला स्विच है। फिर हम लेते हैं अपना दूसरा होल्डर और पहले होल्डर की बची हुई वायर, दोनों को आपस में करते हैं कनेक्ट, और उन दोनों को डाल देते हैं दूसरे वाले स्विच के सेंटर वाले टर्मिनल से, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों। दोस्तों उसके बाद हमें लेना है अपना तीसरा वाला होल्डर। तीसरे वाले होल्डर की एक वायर लेनी है और दूसरे वाले होल्डर की बची हुई वायर को आपस में कनेक्ट करना है, लूप करना है, और दोनों को हमने डाल देना है जो हमारा तीसरा वाला स्विच है तीसरे वाले स्विच की सेंटर वाले टर्मिनल में प्रॉपर, इस प्रकार जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों अब बचता है हमारा जो तीसरा वाला होल्डर है उसकी एक फाइनल वायर बच जाती है। उस लास्ट वाली वायर को हम यूज करते हैं जो हमारा लास्ट चौथा वाला स्विच है उसके सेंटर वाले टर्मिनल में। तो दोस्तों यहाँ तक की हमारी वायरिंग इसमें फिनिश है। कंट्रोल वायरिंग हमारी इसमें लगभग पूरी फिनिश हो गई है। अब हम इसमें पावर वायर को ऐड करते हैं जो हमारा मेन फेज और न्यूट्रल होने वाला है। दोस्तों आप इसमें किसी भी सिरे से फेज और न्यूट्रल दे सकते हैं, सेंटर में से भी दे सकते हैं। आपको क्या करना है कि जो ऊपर वाला टर्मिनल और नीचे वाला टर्मिनल स्विच का है उसमें ये आपस में जोड़ देने हैं ताकि हमारे सभी स्विचेज में फेज और न्यूट्रल प्रॉपर तरीके से फ्लो होने लगे। दोस्तों अब बारी आती है इसके टेस्टिंग की। तो मैं ले लेता हूँ अपना एक्सटेंशन बोर्ड, और एक्सटेंशन बोर्ड में दोनों वायर फेज और न्यूट्रल की डालता हूँ अपने सॉकेट में, और स्टार्ट करते हैं इसकी टेस्टिंग को। दोस्तों आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से आपको इस काम को करते वक्त बड़ी ही सावधानी रखनी है। दोस्तों प्रॉपर अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है। दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम इसे टेस्ट करते हैं। पहले वाले स्विच से हमारा पहला बल्ब जल गया, दूसरे वाले स्विच से हमारा पहला बल्ब बंद होता है दूसरा जल जाता है, और तीसरे वाले से दूसरा बंद होकर के तीसरा जल जाता है, चौथे वाले से हमारा तीसरा बल्ब भी बंद हो जाता है। दोस्तों कुछ ये थी हमारी स्टेयर केस की वायरिंग। सेम इसी प्रकार की वायरिंग आप किसी लंबे हॉल में किसी गोडाउन में सेम वायरिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। दोस्तों एक बार हम इसे आपको और टेस्ट कराएंगे। देखिए दोस्तों हमारा जो पहला वाला स्विच है, पहले वाले स्विच से हमारा पहला बल्ब जलता है, दूसरे से पहला बंद हो गया दूसरा जल जाता है, और सेम तीसरे से भी हमारा दूसरा बंद हो गया तीसरा जल जाता है। ये देखिए दोस्तों प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। यार अगर आपको वीडियो पसंद आया और कुछ भी सीखने के लिए मिला तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए। साथ ही दोस्तों हमारी इस वीडियो को खूब सारा प्यार दें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।